उसको बाद में प्लानिंग होती और वो जीत भी जीत के वजह से सलाहुद्दीन ओवैसी ने क्या स्टेटमेंट दे रहा है अपने अपने मुस्लिम भाइयों को, अरे भाइयों अगर अपन राजा सिंह को हमारे महिला तरफ से, महिला मोर्चा के तरफ से, सब माताओं के तरफ से भरपूर आशीर्वाद। तो विजयोत्सव दिख रहा मेरे को, एक व्यापारी दिखते हैं और एक कामकाज का Yeah.
अरे भैया, भारत माता की और राज्यसभा के मान्य सांसद श्री जीवीएल नरसिम्हा राव जी, प्रदेश महामंत्री भारतीय जनता पार्टी श्रीमान चिंता संभामूर्ति जी, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी और अगर मैं कह सकता हूं कि इस हैदराबाद को भाग्यनगर में बदलने के लिए विशेष रूप से आपके बीच में यहां पर कार्य कर रहे गोसा महल विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री पी राजा सिंह जी, राष्ट्रीय मुरलीधर राव जी, पार्षद श्री शंकर जी यादव, पूर्व मंत्री श्री राम स्वामी जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रीमान बीएल संतोष जी, वे यहां पर राष्ट्रवाद के झंडे को लेकर के मजबूती के साथ जमे हुए हैं। मैंने कई बार आने का प्रयास किया लेकिन चुनाव के बाद अक्सर मेरे कार्यक्रम में यहां की सरकारें रोड़ा अड़काती थी, लेकिन चुनाव के बहाने ही हिंदू विरोधी विकास विरोधी सरकारों को परास्त करने का लोकतंत्र एक अधिकार हमें देता है और इसीलिए मैं आह्वान करने के लिए आपके पास आया हूं कि यहां पर श्री टी राजा सिंह पिछले कई वर्षों से जिस मजबूती के साथ आपके हितों के लिए कार्य कर रहे हैं उसे देखते हुए आज हम सब के जिम्मेदारी बनती है कि गोसा महल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से न केवल उन्हें बार बार चुन करके जाना चाहिए, आप एक बार यहां पर भी वैसे ही कार्य बनेगी जो सरकार आपके हितों को संरक्षण देने के लिए कार्य करेगी। और यही अपील करने के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी आप सबसे अपील करती है। टी राजा सिंह ने यहां पर बहुत कार्य किया है, आपके हितों के लिए लगातार लड़ते रहे हैं और मेरा यह मानना है कि जो लोग यहां पर चुनौती देते हैं कि बगैर हमारे कोई सरकारें बनेंगी नहीं, और जो लोग इस बात को कहते हैं कि कोई भी सरकार बने लेकिन वे हमारे पास घुटने टेकेंगे, इन सबको निजाम की तर्ज पर भागने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और यही अपील करने के लिए आपसे कहने के लिए आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस मजबूती के साथ चुनाव लड़ी है, आज मैं प्रातः काल से देख रहा हूं जगह जगह जिस प्रकार का उत्साह पूरे तेलंगाना में देखने को मिला है, एक आदर्श व्यवस्था के रूप में मैं इसे मान सकता हूं। और मेरा पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी श्री टी राजा सिंह जी के नेतृत्व में गोसा महल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में भारी मतों से चुनाव जीत करके जाएंगे। इस विश्वास के साथ आप सबसे अपील करते हुए मैं वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम।